नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जहां पे आपको रोज़ कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसलिए चैनल अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले समय में रोज़ नई नई बातें सीखने को मिलती रहे। दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में कई तरह के ट्रक्स देखे होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक कितना बड़ा हो सकता है, कितनी बड़ी कैपेसिटी हो सकती है उसकी, और क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी होती है। हम ये सब जानने वाले हैं। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हो तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इन ट्रकों की ऊंचाई लगभग 3 मंजिला इमारत जितनी होती है और इसकी कैपेसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। इन ट्रकों की माल ढोने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। इन ट्रकों में करीब करीब 50,000 टन का सामान लेके जाया जा सकता है। जहाँ पे बहुत लार्ज स्केल पे काम होता है, वहीं पे ये ट्रक का इस्तेमाल काफ़ी बड़े पैमाने पे होता है, जैसे कि खदान इंडस्ट्री में। ट्रकों में माल का लोड काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इन ट्रकों की स्पीड काफ़ी कम होती है। इसकी टॉप स्पीड है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रकों में ईंधन की खपत भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर काम बड़े स्तर पे किया जाए तो ये ईंधन की खपत भी संतुलित हो जाती है, यानी कि इसके जो एवरेज कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाता है। भारत में इसका उपयोग ज़्यादातर कोयले खदान में होता है। इन ट्रकों को चलाने के लिए एक विशिष्ट तरह का कोर्स करना पड़ता है, क्योंकि ये ट्रक काफ़ी बड़े साइज में होते हैं। ट्रकों को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा तजुर्बे की ज़रूरत पड़ती है। हर मुश्किल से बाहर आने के लिए तजुर्बा ही साथ आता है। ट्रकों के मुकाबले इसमें 20 गुना बड़ा इंजन होता है। दोस्तों, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो चैनल आइकन पर क्लिक करें और चैनल से जुड़ जाए। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं।